समाजवादी नेता अबू आजमी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने कश्मीर पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी समर्थन जताया। करप्शन करने वाले जो विरोधी नेता हैं उनको प्रधानमंत्री से डरना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगली बार सरकार आई तो उन्हें जेल में डाल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो भारतवर्ष को मैं करप्शन मुक्त कर दूंगा। बिल्कुल से देश में करप्शन नहीं होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर आज देखा जाए तो भारतवर्ष का ग्राफ करप्शन में और ज़्यादा बढ़ा है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल तक आप पूरी ताकत के साथ सत्ता में थे, कितने विरोधियों को आपने जेल में भेजा, और आपके साथ रहने वाले जिनको आपने बहुत ज़्यादा सर पे हाथ रखा वो सब हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए और आप कुछ नहीं कर सके। मोदी जी, मैंने वो बयान भी सुना है, हिमांशु त्रिवेदी जो जज थे, अगर इसकी इंक्वायरी विरोधी कर दें, अगर चाहे बाबू बजरंगी की इंक्वायरी विरोधी कर दें, मोदी, मुझे लगता है कि आपसे बड़ा करप्ट कोई नहीं हो सकता है। लगातार बीजेपी कह रही है कि 35A और 370 ये दोनों धाराएं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास में अवरोध पैदा कर रही हैं और दोनों धाराओं पर एक से पुनर्विचार होकर के और ख़त्म होने। देखिए, देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन लोगों को अलग से कुछ न कुछ रियायत दी गई, जैसे आदिवासियों को है, आदिवासी अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, नहीं तो लोग खरीद लेंगे, आदिवासी बेहद तकलीफ में आ जाए, वो गरीब होता है। आज SC ST का रिजर्वेशन दिया गया है कि वो गरीब लोग हैं। आज गुजरात के अंदर कोई बाहर का आदमी जाकर खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकता, ये कानून बना हुआ है। तो आज जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ तो कश्मीर की जो आज़ादी थी, कश्मीर की जो कश्मीर वालों को जब सरकारों ने ये दिया कि भाई वहाँ कोई बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता, तो आप ये इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन चूंकि कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है तो आप बार बार ये बात करते हो, और देश में दूसरी जगह पर मैं, अगर आपके अंदर जिगर है, 56 इंच का सीना है, तो एक बार आप ज़रा दलितों को छेड़ के देखो, उनके रिजर्वेशन में ज़रा हाथ डालो तो आपको पता चलेगा आटा दाल चावल का भाव। मैं नेहा पर, हमारे जो दर्शक न्यूज 18 इंडिया को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं वो अपना सेट टॉप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM के बीच में न्यूज 18 इंडिया उपलब्ध। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर ठीक वायनाड का जो हाई स्कूल है वहां पर आ चुका है। सबसे पहले प्रियंका गांधी नीचे उतर रही है, राहुल गांधी दूसरी तरफ से नीचे आ चुके हैं। तो इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में फूल मालों से स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। अब जो राहुल गांधी हैं उनका रोड शो शुरू होने वाला है, ओमान चांडी को भी ऊपर बुलाया गया है। तो राहुल गांधी वायनाड से अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं और बीजेपी ने कही है कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी ने दूसरी सीट चुना है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि दक्षिण भारत से चुनाव लड़ना कोई नई बात कांग्रेस पार्टी के लिए है नहीं। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर ठीक वायनाड का जो हाई स्कूल है वहां पर आ चुका है। सबसे पहले प्रियंका गांधी नीचे उतर रही है, राहुल गांधी दूसरी तरफ से नीचे आ चुके हैं। तो इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में फूल मालों से स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। अब जो राहुल गांधी हैं उनका रोड शो शुरू होने वाला है, ओमान चांडी को भी ऊपर बुलाया गया है। तो राहुल गांधी वायनाड से अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं और बीजेपी ने कही है कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी ने दूसरी सीट चुना है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि दक्षिण भारत से चुनाव लड़ना कोई नई बात कांग्रेस पार्टी के लिए है नहीं।